हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आज मैं आप सभी के साथ वेट लॉस से जुड़े हुए कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो शेयर करने आई हूँ, स्पेशली उन सभी के लिए जो वेट लॉस करना चाहते हैं या तो फिर वेट लॉस की जर्नी में हैं। मैं अपने आज के इस वीडियो में वेट लॉस से जुड़ी हुई बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो शेयर करने आई हूँ। इवन वीडियो के लास्ट में वेट लॉस से जुड़ा हुआ कुछ ऐसा हैक है जो शेयर करूंगी, जो मैं खुद भी करती हूँ और साथ ही साथ में अपने क्लाइंट्स को भी करने को बोलती हूँ। थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि काफी टाइम से हमने अपने बॉडी में फैट को स्टोर करके रखा है, तो उसको जाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसके लिए हमको पेशेंस रखना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अलॉन्ग विद दैट, न्यूट्रिशन इनटेक इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर बॉडी का फैट भी चला जाएगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन भी नहीं मिलेगा, बॉडी का स्ट्रेंथ भी चला जाएगा, तो ऐसे वेट लॉस का बिल्कुल भी मतलब नहीं है। मैं अपने इस वीडियो में आज आपको यही बताऊंगी कि इन सारी चीजों को बैलेंस में रखते हुए कैसे आप अपना वेट भी कम कर सकते हैं, इवन आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन भी मिलेगा और आपका बॉडी का स्ट्रेंथ भी बना रहेगा। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि वेट लॉस में ऐसा क्या है जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जानना और जो हमारी हेल्प करता है। फर्स्ट है पॉजिटिव थॉट। यस, पॉजिटिव थॉट वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है। अगर आप सोचेंगे नहीं हमारा वेट लॉस नहीं होगा, नहीं होता है, कभी नहीं होगा, तो रियली में नहीं होगा। और अगर आप ये सोचेंगे कि यस आपका वेट लॉस होगा, आप हेल्दी खा रहे हैं, प्रॉपर एक्सरसाइजेस भी कर रहे हैं और अपनी डाइटेशन पे ट्रस्ट भी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका बहुत ही अच्छा वेट लॉस होगा। सेकेंड है डे टू डे मॉनिटर। अपने वेट को डे टू डे मींस अपने वेट को डेली मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको वेट लॉस में बहुत सपोर्ट करेगा। प्रोटीन रिच मील, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में इन तीनों में आपको प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है। बॉडी में स्ट्रेंथ बनाएगा, इवन आपको एनर्जी देगा, जिसकी वजह से वेट लॉस भी हो जाएगा। फाइबर इनटेक, फाइबर आपके वेट लॉस की जर्नी में बहुत अच्छा रोल निभाता है क्योंकि फाइबर ही है जो आपको काफी देर तक फुल रखेगा, आपको फुल वाली फीलिंग आएगी, इवन वेट लॉस के ड्यूरिंग में आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होने देगा। एक्सरसाइजेस, मैंने अपने वीडियो में आप सभी को बताया था 70-30 का रूल, 70% डाइट एंड 30% एक्सरसाइज, इन दोनों का प्रॉपर बैलेंस लेकर चलेंगे तभी आपके बॉडी का जो फैट है वो इजिली बर्न होगा। 10,000 स्टेप्स, यस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है वेट लॉस में क्योंकि ये आपके बॉडी में फैट को स्टोर होने ही नहीं देगा और जब फैट ही स्टोर नहीं होगा तो आपका फैट भी नहीं बनेगा और वेट लॉस भी बहुत अच्छा होगा। 10,000 स्टेप आप दिन भर में बहुत इजीली कर सकते हैं। नॉर्मली फोन सबके पास आता है, फोन में बात करते करते वॉक करिए, छोटे मोटे काम है जो इधर से उधर करते हुए आप करते रहिए, मतलब नॉर्मली आप चलते रहिए, तो इसलिए 10,000 स्टेप्स आप दिन में कंप्लीट करेंगे। मील टाइमिंग, जब वेट लॉस की जर्नी में होते हैं तो मील टाइमिंग को सेट करना बहुत जरूरी है, जो मैं अपने डाइट चार्ट में हमेशा हर एक मील का उसके साथ में टाइम सेट करके उसमें देती हूँ, एक टाइम लिख के देती हूँ कि इस टाइम पे ही आपको सारी मील लेना है, उसको फिक्स कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग में ही अपने मील्स को लीजिए, तो ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। पोर्शन साइज, इसका तो सबसे बड़ा ही रोल है। अगर आप बहुत ज्यादा खाएंगे और कहेंगे मेरा वेट कम नहीं हो रहा, मैं तो टाइम टू टाइम हेल्दी खा रहा हूँ, तो उसका रिजल्ट नहीं होगा। कुछ पोर्शन साइज होता है, कुछ ग्राम होते हैं कि वेट लॉस की जर्नी में उसी हिसाब से खाना है, वो आपकी बॉडी एडिक्ट हो जाती है उस चीज के लिए। आप बहुत ज्यादा खाएंगे वो आपको इजिली डाइजेस्ट नहीं होगा और उससे वेट भी बढ़ जाएगा, इसलिए पोर्शन साइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंस रियली वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है। आप पेशेंस रखिए, खुद पे ट्रस्ट रखिए, रेगुलर हेल्दी मील खाइए, एटलीस्ट 2 वीक आप प्रॉपर करके देखिए, आपको वेट लॉस समझ में आ जाए। वेट लॉस हो या वेट गेन हो, पेशेंस हर एक चीज में रोल निभाता है, इसलिए बहुत जरूरी है कि पेशेंस रखिए खुद पे, अपने टाइम पे, और अच्छा रिजल्ट भी बहुत इजीली मिल जाएगा। इन सभी पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो रियली आपके वेट लॉस में ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। और अगर अच्छा वेट लॉस चाहिए है तो ट्रस्ट मी, इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए एंजॉय कीजिए। तो चलिए अब आप सभी को मैं बताती हूँ कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो बिल्कुल भी आपको वेट लॉस की जर्नी में नहीं करने चाहिए। लो कैलोरी मील,
बहुत से लोग वेट लॉस करने के लिए लो कैलोरी पे चले जाते हैं, बट उससे प्रॉपर रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। इवन आपको न्यूट्रिशन डिफिशियंसी होने के साथ साथ बॉडी की एनर्जी भी चली जाएगी, जो इंटरनल आपको बहुत सारी डिफिशियंसी हो। स्किप मील, मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वेट लॉस करने के लिए अपने तीनों इंपॉर्टेंट मील को वो स्किप कर देते हैं। उससे आपको कुछ नहीं होगा, आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, प्रॉपर कैलोरी नहीं मिलेगी, आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे, तो रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। इसी भी टाइम के मील को स्किप करना बिल्कुल भी सही नहीं है। अपने तीनों मील को प्रॉपर लीजिए, बस सारे जो हमारे माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए तीनों मील होना चाहिए, जो आपको न्यूट्रिशन भी देगा। डिटॉक्स ड्रिंक, यस, बहुत से लोग वेट लॉस की जर्नी में सिर्फ और सिर्फ डिटॉक्स ड्रिंक पे डिपेंड हो जाते हैं। बहुत कैलोरी, फैट, बहुत सारी ऐसी अनहेल्दी चीज खाते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि हम तो डिटॉक्स ड्रिंक भी ले रहे हैं, हमारा वेट लॉस भी हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ डिटॉक्स ड्रिंक आपके वेट लॉस में हेल्प नहीं कर सकता। हर एक चीज का और हर एक एज एंड BMI के अकॉर्डिंग अलग अलग डिटॉक्स ड्रिंक होते हैं, वो एक आपको प्रॉपर डाइटिशियन ही बता सकते हैं। ओनली एक्सरसाइज, सिर्फ एक्सरसाइज भी आपकी वेट लॉस में हेल्प नहीं कर सकता। बहुत से लोग सोचते हैं हम तो बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमारा वेट लॉस हो जाएगा, लेकिन एक्सरसाइज कर रहे हैं और यहाँ पे बहुत अनहेल्दी खा रहे हैं। सपोज कीजिए एक्सरसाइज करके आपने 200 कैलोरीज तो बर्न कर लिया, लेकिन यहाँ पे 400 कैलोरीज आपने ऑलरेडी अनहेल्दी खा लिया, तो वो तो उसका कुछ रिजल्ट ही नहीं निकला, कैलोरीज आपकी डबल हो गई। इसलिए एक्सरसाइज बस हेल्प नहीं कर सकता। ओनली डाइट मील, सिर्फ डाइट मील आपके वेट लॉस में हेल्प नहीं कर सकता। 70-30 का रूल आपको मैंने बताया हुआ, इन सब चीजों का प्रॉपर में ध्यान रखेंगे तभी वेट लॉस होगा। इसलिए प्रॉपर एक्सरसाइज करें, प्रॉपर खाएं, तभी आपका वेट लॉस होगा। सिर्फ और सिर्फ डाइट मील से रिजल्ट नहीं मिलेगा। मेडिसिंस, मार्केट में आजकल बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जो क्लेम करती है कि हम वेट लॉस करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल ACV मीन्स एप्पल साइडर विनेगर की। सिर्फ ऐसे पिल्स आपके वेट लॉस में आपको हेल्प नहीं कर सकते। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो उसमें प्रॉपर बैलेंस मील एंड एक्सरसाइज को बैलेंस करते हुए ही आपको दिखाया होगा कि वेट लॉस होगा। तो सिर्फ एक मेडिसिन वेट लॉस में हेल्प नहीं कर सकते। कभी भी कोई डाइटिशियन अगर किसी का पर्टिकुलर किसी का भी अगर वेट लॉस प्लान करती है, तो उनके BMI, माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही उनका डाइट प्लान बनाती है। तो ये सारे पॉइंट्स तो कभी भी आपके वेट लॉस में आपको हेल्प नहीं करेंगे। तो चलिए, मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि वीडियो के एंड में वेट लॉस से जुड़े हुए दो बहुत इंपॉर्टेंट हैक शेयर करने वाली हूँ। तो फर्स्ट है चीट मील। यस, चीट मील बहुत हेल्प करता है। पहले ये समझ लीजिए, चीट मील होता है, चीट डे नहीं होता है। चीट मील से आपके हैप्पी हार्मोन इंक्रीज होते हैं, जो ओवरऑल हेल्थ को आपके इंप्रूव करते हैं, आपके डाइजेशन को इंप्रूव करते हैं, इवन आपको मोटिवेशन भी मिलता है। सेकेंड है मिरर। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि मिरर वेट लॉस में कैसे हेल्प कर सकता है, तो चलिए बताती हूँ। मिरर एक ऐसी चीज है जो आपको मोटिवेशन देगी, जो वेट लॉस भी करेगी। तो कैसे? कोई भी अपनी ऐसी ड्रेस ले लीजिए जो आप बहुत पहले पहनते थे, बट अब आपके वेट गेन होने की वजह से आप नहीं पहन पा रहे, तो उस ड्रेस को पहनिए। डाइट प्लान को स्टार्ट होने से पहले मिरर में देखते हुए उस ड्रेस में अपनी पिक ले लीजिए और अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, या तो दिन में 3 बार देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि आपके बॉडी में फैट स्टोर है। सेम 2 वीक बाद फिर वही ड्रेस को पहनिए, मिरर में देखते हुए पिक लीजिए, और आपने जो फर्स्ट डे पिक ली थी और जो आज पिक ली थी, उन दोनों पिक को कंपेयर कीजिए। आपको समझ में आ जाएगा, आपको मोटिवेशन भी मिलेगा और आपकी आगे की जर्नी भी स्मूथ जाएगी। आई होप मेरा आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छी ऐसी इन्फॉर्मेशन और बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आप सभी के साथ शेयर की है, जो आपको मोटिवेशन देगी और वेट लॉस में हेल्प करेगी। मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है, कुछ ऐसे वीडियोज है जो वेट लॉस की जर्नी में हेल्प करेंगे, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, उनको देखना मत भूलिएगा। जल्दी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज शेयर करने वाली हूँ। जिन बच्चों का इम्यूनिटी बहुत वीक होता है, वो बार बार बीमार होते जाते हैं, उनके लिए आपको डेली रूटीन में ऐसा क्या करना चाहिए जिनसे उनका इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, इवन हेल्थ भी इम्प्रूव हो।